लगातार रिकॉर्ड तोड़ रही थोक महंगाई दर 24 साल पुराने लेवल पर पहुंच गई है। अप्रैल में यह 15.08% रही। दिसंबर 1998 के बाद पहली बार थोक महंगाई दर 15% के पार पहुंची है। सुप्रीम कोर्ट ने ज्ञानवाबी मस्जिद में शिवलिंग मिलने के दावे की जगह को सुरक्षित करने के आदेश को बरकरार रखा है। हालांकि कोर्ट ने कहा है कि मस्जिद में नमाज न रोकी जाए। यूक्रेन पर रूसी हमले के बाद सबसे खूनी लड़ाई के गवाह बने मारियोपोल में जंग थम गई है। यहां कई हफ्तों से एक स्टील प्लांट में छिपे यूक्रेन के 250 से ज्यादा सैनिकों ने एक समझौते को लेकर सरेंडर कर दिया है। पंजाब में किसानों ने भगवंत मान की सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। 23 किसान संगठनों ने अपनी मांग मनवाने के लिए मंगलवार को चंडीगढ़ की ओर शुरू किया है। हालांकि पुलिस ने उन्हें बैरिकेडिंग लगाकर रोकने की कोशिश की। भारतीय नौसेना के लिए मंगलवार का दिन बेहद खास रहा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने मुंबई मझगांव डॉक में 2 युद्धपोत सूरत और उद्योगगिरी को लॉन्च किया। जम्मू कश्मीर में आतंकियों की कायराना हरकतें लगातार जारी है। अब इसी कड़ी में दीवानबाग इलाके में आतंकियों ने एक वाइन शॉप को अपना निशाना बनाया है। दुकान पर ग्रेनेड फेंक दिया गया। इस हमले में 2 लोग जख्मी बताए जा रहे हैं। फिनलैंड और स्वीडन ने रूस के विरोध को दरकिनार कर नाटो की सदस्यता लेने में रुचि दिखाई है, लेकिन तुर्की इन दोनों ही देशों को नाटो की सदस्यता दिए जाने को लगातार विरोध कर रहा है। चीन ने इस साल हुए भीषण विमान हादसे को लेकर चौंकाने वाली जानकारी सामने आई है। ब्लैक बॉक्स डेटा से पता चलता है कि चाइना इंसर्जन जेट के विमान को जानबूझकर ऊंचाई से नीचे लाकर क्रैश किया गया था। हैदराबाद ने रोमांचक मुकाबले में मुंबई को 3 रन से हरा दिया। 194 रनों के टारगेट का पीछा करने उतरी मुंबई की टीम 190 रन ही बना पाई। इस बार का कांस फिल्म फेस्टिवल कई मायनों में भारत के नाम रहेगा। इस मशहूर फिल्म फेस्टिवल में पहली बार भारत को कंट्री ऑफ ऑनर का सम्मान दिया जा रहा है। इस बार यहां भारत कला संस्कृति की भी झलक दिखेगी।